नमस्कार, झारखंडी न्यूज में स्वागत है। आइए राज्य भर के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के किसानों के लिए 3500 करोड़ की मांग। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रति किसान 10,000 रुपये के हिसाब से 35 लाख किसानों को राहत देने की बात की। वहीं कृषि मंत्री बादल ने कहा कि दूध की मांग में कमी हो गई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। हमें किसानों के पास से दूध खरीद कर मुफ्त में बांटना चाहिए। मौसम विभाग के ओर से 10 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में अचानक मौसम खराब होने की संकेत। बादल में छाए रहने के कारण से हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। राज्य के कई इलाकों में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात और ओले गिरने के संभावना है। रांची रेल मंडल में जल्द बनकर तैयार होगा 60 आइसोलेशन कोच। खबरों के अनुसार रेल मंडल की ओर से मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच जल्द बनकर तैयार होने की संभावना, जो कि हटिया में रखा जाएगा। रेलवे के सामान्य श्रेणी के डिब्बे में इसे तैयार किया जा रहा है। एक कोच में 8 मरीज को रखा जाएगा। हजारीबाग विधायक अंबा प्रसाद ने केरेडारी प्रखंड में किया मास्क और राशन का वितरण। खबरों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से समस्या झेल रहे ग्रामीणों के मदद के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि प्रखंड में कोई भी गरीब भूखा न सोए। साथ ही उन्होंने अपील किया कि लोग घरों पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। झारखंड के में कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है, वहीं एक की मौत, जो कि झारखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है। राज्य में एक दिन में नए मरीज मिले हैं। जिस मरीज की झारखंड में पहली मौत हुई है वह बोकारो जिला के गोमियो के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी से निपटने के लिए हर राज्य को देंगे विशेष राहत पैकेज। प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे और राज्यों की जायजा लेंगे। हिंद पीढ़ी को 72 घंटों के लिए किया गया पूरी तरह से सील। ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। खबरों के अनुसार निगरानी रांची जिला के हिंद पीढ़ी क्षेत्र के नए मामले सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने कहा कि टेस्टिंग और सैंपलिंग में बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम के पुराहट जंगलों के सर्च अभियान के दौरान पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान माओवादियों ने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले। गांव में सर्च अभियान काफ़ी तेजी कर दिया गया है। हजारीबाग के महिला मंडल द्वारा पीपीई किट का निर्माण कराया जा रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक 200 किट उपलब्ध कराई जा चुकी है। झारखंड में 9 नए मरीज मिलने से हड़कंप। रांची में टास्क फोर्स की बैठक किया गया। खबरों के अनुसार जिला आयुक्त जिला उपायुक्त स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारी के साथ बैठक किया। वहीं जिला में 50 टीम रिजर्व रखने को निर्देश दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा उनका नाम है सुब्रत चक्रवर्ती, अभिजीत मंडल, मिलन कुमार यादव, सुखलाल सुरेन, उमेश सलाम, राम पांडे, जोहार न्यूज, एजुकेशन हब। इनके अलावा और का कमेंट अच्छा लगा, आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम आपका कल नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का सवाल है, मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान प्रति व्यक्ति कितना केजी राशन देने को कहा है, तो कमेंट में हमें अपनी राय अवश्य दे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। धन्यवाद।